आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल 16 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल और 6 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का मिजाज काफी बदला सा नजर आया। कोई भी मंच पर पार्टी की टोपी में नहीं दिखा। वहीं केजरीवाल ने भी अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के साथ की। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में बुरा कहने वालों को माफ किया, अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर जनता के लिए काम करूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं केजरीवाल के भाषण की 8 सबसे अहम बातें। केजरीवाल ने मंच से विपक्ष को घेरा। केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनमोल चीजें हैं, भगवान ने सारी फ्री बनाई हैं। माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। बाप जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं खाता तो उस बाप की तपस्या फ्री होती है। श्रवण कुमार जब अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके गया था और श्रवण कुमार जी की मौत हो गई, श्रवण कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी। केजरीवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है, दिल्ली वाले अपने केजरीवाल को प्यार करते हैं। ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं। लानत है ऐसे सीएम पर जो बच्चों की फीस ले। मैं ये सोच रहा था, मैं अब क्या अपने बच्चों से, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेना शुरू कर दूं? लानत है ऐसे सीएम के ऊपर। मैं अपने अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों से दवाइयों के पैसे लेने शुरू कर दूं? मैं अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से ऑपरेशन के पैसे लेने शुरू कर दूं, टेस्टों के पैसे लेने शुरू कर दूं? लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर अगर मैं ऐसा करता हूं। पीएम मोदी का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी को भी न्योता भेजा था, वो शायद व्यस्त हैं किसी और कार्यक्रम में, आ नहीं पाए, लेकिन मैं आज इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से दिल्ली को आगे विकास करने के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी आशीर्वाद चाहता हूं। ये है सीएम केजरीवाल का सपना। दोस्तों, मेरा एक सपना है और मैं समझता हूं देश के हर आदमी का वो सपना है, हर भारतवासी का वो सपना है। हम चाहते हैं एक ऐसा टाइम आए, और आएगा, जरूर आएगा, आने वाला भविष्य दुनिया के अंदर भारत का भविष्य होने वाला है। ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। लंदन के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, टोक्यो के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, अफ्रीका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, अमेरिका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा। मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया, लेकिन आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। पिछले 5 साल जब मैंने काम किया, मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया,
मैंने कभी किसी का ये कह के काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो, तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कांग्रेस वाला आया या दूसरी पार्टी वाला आया, मैंने सबके काम करे। मेरे को पता चला ये मोहल्ला बीजेपी का है, मैंने वहां भी गलियां बनवाई, वहां भी पानी की पाइपलाइन डलवाई, सबके लिए काम करा मैंने। और आने वाले 5 साल के अंदर भी आज मैं अपने सारे दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली वासियों को, अपने दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली परिवार को ये कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म हो गया, आपने जिसको भी वोट दिया, अब आप सारे जने, आप सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हो। आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। कभी भी कुछ भी काम हो, बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। चुनाव की उठापटक की राजनीति भूल जाओ। जो कुछ राजनीतिक उठापटक हुई चुनाव में, सारी भूल जाओ। अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार के साथ भी मिलके दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूं। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। हम केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करेंगे।